जल ही जीवन है ये हमेशा हम सुनते हैं, लेकिन मानते कितना है? क्या हम जल की रक्षा जीवन की तरह करते हैं? क्या हम उसे भी उतनी ही तवज्जो देते हैं जितना किसी इंसान की जिंदगी को? इन सवालों के जवाब सबके पास ना में ही होंगे। हम सब जानते हैं कि पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इसे फिजूल में खर्च कर देते हैं। हमारी पृथ्वी का 70% भाग जल से डूबा हुआ है, लेकिन 1-2% ही इसमें उपयोग करने लायक है। हमें जल को बहुत ही सहज कर रखने की जरूरत है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हम एक एक बूंद को तरसेंगे। पानी एक ऐसा धन है जिसे हम सहज कर रखेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ी उसे उपयोग कर पाएगी, क्योंकि जल है तो कल है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। बस थोड़ी सी समझदारी और उठाए हुए एक कदम के साथ हम अपने आने वाली पीढ़ी को यह तोहफा दे सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। आप जब भी बर्श करें, दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत ना होने पर नल को बंद रखें। बेकार का पानी ना बहाएं। ऐसा करने से हम 6 लीटर पानी हर 1 मिनट में बचा सकते हैं। नहाने के लिए सावर की जगह बाल्टी का उपयोग करें। अगर सावर उपयोग भी करें तो छोटे वाले लगाएं, इससे पानी की खपत कम हो। सावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर 1 मिनट में बचा सकते हैं। जल की रक्षा हमेशा करें और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। हम करेंगे तभी हमारे छोटे भी हमसे सीखेंगे। रास्ते में कहीं भी कभी भी कोई भी नल खुला मिले तो उसे तुरंत बंद करें। पाइपलाइन फूटी हो तो उसकी कंप्लेंट करें। आजकल तो हमारे घरों में पानी आ जाता है। पानी की कीमत वो लोग समझते हैं जो 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी भरने जाते हैं। 1-2 बाल्टी के लिए उन्हें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हम उनकी सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम पानी का प्रयोग करके हम पानी को बचा सकते हैं जिससे वो पानी सही हाथों में पहुंच सके। आज से ही शुरुआत अपने घर से करें। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो हम सबको साथ मिलकर उठानी चाहिए। जल की कोई सीमा नहीं, पर वो पीने के योग्य नहीं। जो जल जीवन बनाता है वो हर जगह नहीं मिल पाता है। करो इसका मोल अभी, वरना पछताओगे। पानी बचा लो आज सभी, वरना कठिन समस्या पाओगे।